नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनिका महेश्वरी। अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए फरीदाबाद पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। सरकार के आदेश अनुसार फरीदाबाद पुलिस ने इसी क्रम में आज बड़ी कार्रवाई करते हुए नशा तस्कर विजेंद्र उर्फ लाला द्वारा अवैध तरीके से कमाई करके सेक्टर 22 एरिया में बनाई गई 25 इमारतें जो सरकारी जमीन पर बनी हुई थी उनको ध्वस्त किया है। तोड़फोड़ के दौरान जिला प्रशासन द्वारा नियुक्त ड्यूटी मजिस्ट्रेट के अलावा डीसीपी क्राइम मुकेश मल्होत्रा, डीसीपी एनआईटी नरेंद्र कादियान, एसीपी विष्णु प्रसाद, एसीपी सुखबीर सिंह, एसएचओ मुजय सर सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा, जिनकी देखरेख में तोड़फोड़ की सारी कार्रवाई शांतिपूर्वक तरीके से सम्पन्न की गई। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार नशा तस्करी के खिलाफ फरीदाबाद पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। पिछले कुछ दिनों में फरीदाबाद पुलिस ने अवैध तरीके से कमाई गई काफी संपत्ति ध्वस्त की है। फरीदाबाद पुलिस ने नशा तस्कर विजेंद्र उर्फ लाला पुत्र जॉनी द्वारा नशा और शराब तस्करी करके केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की भूमि पर अवैध कब्जा किया हुआ था, जिसको आज ध्वस्त कर दिया गया। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की करीब 2.5 एकड़ जमीन पर कई जगह अवैध कब्जे किए हुए थे, जिसे कब्जा मुक्त करवा कर CPWD के हवाले किया गया। वहीं इसके बाद जिला उपायुक्त विक्रम कुमार के दिशा निर्देश पर नायब तहसीलदार बड़कल सुरेश कुमार, नायब तहसीलदार ध्वज करण कुमार और MCF एक्सिन पद्मभूषण को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया। तोड़फोड़ से एक दिन पहले डीसीपी एनआईटी नरेंद्र कादियान के नेतृत्व में फ्लैग मार्च भी निकाला था। नशा तस्कर लाला और उसके परिजनों के अपराधों की लिस्ट बहुत लंबी है। शुरू में वे शराब तस्करी करने लगा और वर्ष 2011 से अवैध मकान बनाकर रह रहा है। इसके पश्चात आरोपी हत्या, नशा तस्करी, लड़ाई झगड़े जैसी वारदातों में शामिल रहा। आरोपी लाला और उसके परिवार के खिलाफ फरीदाबाद में 32 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें 21 मुकदमे लाला के खिलाफ, 7 उसके भाई कन्हैया, 3 लाला की साली पूजा और 1 लाला की माँ के खिलाफ है। लाला कई बार जेल की हवा खा चुका है। आज फरीदाबाद पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा लाला द्वारा अवैध तरीके से बनाई गई इमारतों को ध्वस्त करके अपराधी लाला के काले साम्राज्य को खत्म किया गया। हाँ बिल्कुल होगी कार्रवाई, जो अथॉरिटी को भेजी गई है और जो इलीगल बना रखी है उनको तोड़ा जा रहा है। फिलहाल ये बहुत बड़ा होता, 25 दुकानें और मकान था इसका, जिसमें किराया भी लेता था ये, और इसको सबको तोड़ दिया। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।